जानना चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, तो लेट्स फाइंड आउट क्या होगा आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जो आपके माइंड में है राइट नाउ। लेट्स फाइंड आउट। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है। जो भी ये एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ऐसा लग रहा है कि उस एक्शन को लेने के लिए इनको बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांशियल ब्लॉक्स हों आपके रिलेशनशिप में, लेकिन द गुड थिंग इज कि आपका पर्सन रेडी हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है कि वो आपकी तरफ कोई सॉलिड स्टेप ले, कोई एक्शन ले, जिसके बाद आप दोनों के दरमियान में न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस काफी स्ट्रांग है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका टॉक्सिक साइकिल या एक अनहैप्पी अनहेल्दी साइकिल अपने पर्सन के साथ खत्म होने वाला है और एक नया चैप्टर शुरू होगा जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल चेंज के साथ होगा। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आई होंगी, लेकिन ये रिलेशनशिप अब आगे फ्यूचर में जब जा रहा है तो इट्स गोना गो वेरी यू नो स्विफ्टली। मुझे लगता है कि पहले बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस होंगे, एक स्लो एनर्जी थी आपके रिलेशनशिप में, अब लेकिन जब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले रहा है तो बहुत स्पीडीली आप लोग आगे बढ़ोगे और एक नया ब्यूटीफुल साइकिल स्टार्ट करोगे, और जिसको स्टार्ट होने में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगेगा। लेट्स सी, वी डू हैव द अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए राइट नाउ शायद आप नो कॉन्टैक्ट में हो पर्सन के साथ, और ऐसा लग रहा है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट था इसने आपके पर्सन को वो करेज दिया है कि वो आपकी तरफ स्टेप लें और आपके लिए स्टैंड भी लें, अपने इस रिलेशनशिप के लिए भी स्टैंड लें। सो डेफिनेटली आपके पर्सन और आपके दरमियान में जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी आपके पर्सन के फियर्स थे, वो सब कुछ बदल रहा है और आने वाले टाइम में आप अपने लाइफ को इस इंसान के साथ ट्रांसफॉर्म होते देखोगे और एक नया चैप्टर दोनों स्टार्ट करोगे। अनवी द टेक वी टू हैव द अपॉलॉजी। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया या फिर आपको वो चूज़ नहीं कर पाए, उस सब के लिए वो सॉरी भी कहेंगे और जो भी ये टॉक्सिक टाइज थी, पैटर्न थे इस रिलेशनशिप में, उसको ख़त्म करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आप दोनों बहुत ज़्यादा हील्ड होगे जब इस रिलेशनशिप में आओगे। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ये रिलेशनशिप जो है वो डेफिनेटली आगे जाता दिख रहा है। पास्ट में जो हुआ, पास्ट की जो सफरिंग रही है, उससे आप अपने आप को ब्रेक फ्री करोगे। आपके पर्सन मेजॉरिटी लोगों में मुझे लगता है कि आपके पर्सन और आपके दरमियान में कुछ इश्यूज चल रहे हैं या चले थे, उसमें इन्फ्लुएंस हो सकता है लोगों का, लेकिन अब आपके पर्सन रेडी होकर एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ और एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि कमिटमेंट की तरफ लीड करेगा, शादी की तरफ लीड करेगा, बिल्डिंग अ फैमिली लीड करेगा। सो अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो इस इंसान के साथ तो मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली प्लानिंग करोगे, और अगर आप शादीशुदा नहीं हो इस इंसान के साथ और आपका रिलेशनशिप जस्ट एक रिलेशनशिप है, तो चांसेस हैं कि यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन और ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे और आप इससे शादी करो और देन आपकी फैमिली इसके साथ आगे बढ़े।